हाय, पहले तो सरकार कोई नौकरी निकालती नहीं है अपनी तरफ से। अगर कोई डिपार्टमेंट नौकरी देना भी चाहता है तो सरकार उस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर देती है, और आने वाली नौकरियां तो बहुत दूर की बात हैं। जो उसमें काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों की नौकरी खतरे में आ जाती है। हाय, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में आपको बहुत ही सनसनीखेज चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली खबरें हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए इस न्यूज़ रिपोर्ट में आज क्या लिखा हुआ है। मोदी डायरेक्ट्स कैंटोनमेंट बोर्ड्स टू कट स्टाफ, सबमिट रिक्वायरमेंट्स विद इन 4 डेज। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि आप स्टाफ जो आपके यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड में काम कर रहा है उसको कट कर दें, मतलब कि आधे से ज़्यादा स्टाफ को एलिमिनेट कर दें, निकाल दें नौकरी से। और जो रिक्वायरमेंट है, जितने भी स्टाफ की आपको रिक्वायरमेंट है वो 4 दिन के अंदर हमें बता दें, ठीक है। अब इसके 2 पहलू हो सकते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा उसके बाद इस एनालिसिस को समझिएगा। एक लाइन में पूरे एनालिसिस मत समझिएगा, क्योंकि दूसरा पहलू आपसे ये कहेगा कि हो सकता है कि वो जो नौकरियां हैं जो इन्होंने निकाली थी उनको ये फिर से रिक्रूट करें। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा हम क्या बता रहे हैं। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड की फोटो है आपके सामने, इमेज, और ये सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड से ली गई है, ठीक है। यहीं से एक आदेश आया है एमओडी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। आप देखिए क्या लिखा है, हैदराबाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंस्ट्रक्ट करा है कैंटोनमेंट बोर्ड को, अक्रॉस द कंट्री जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं सभी को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया गया है टू रिटेन स्टाफर्स, उन्हीं स्टाफर्स को रखें जिनकी आपको सिविक एरियाज में ज़रूरत है। आपको पता है अब कैंटोनमेंट बोर्ड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, यानी कि आर्मी के कंट्रोल से आ जाएगा सिविल एरिया में, ठीक है। दैट वुड रिमेन आफ्टर द प्रपोज सेपरेशन फ्रॉम मिलिट्री एरियाज, जो मैंने अभी आपको बताया, इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन दैट वुड नीड टू बी सर्व, मतलब जो पॉपुलेशन को आपको सर्व करना है, अब जो सिविल पॉपुलेशन को आपको सर्व करना है उसके हिसाब से अपने कर्मचारी रखिए, ठीक है। आगे देखिए, इट सॉट अ रिपोर्ट ऑन द रिक्वायरमेंट फ्रॉम कैंटोनमेंट बोर्ड विद इन 4 डेज, 4 दिन के अंदर आपको ये रिपोर्ट हमें देनी है, ये एमओडी ने कहा है, ठीक है। अब आगे लिखा है कि दमन सिंह जी ने, जो असिस्टेंट डीजी हैं कैंटोनमेंट्स के, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट DGDE, इन्होंने डायरेक्ट करा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी हाल में एक्स्ट्रा स्टाफ को आप रिटेन नहीं करेंगे। रिटेन का मतलब रखेंगे नहीं है, ठीक है, उसे निकाल दें। मान लो 50 स्टाफ हैं और हमें ज़रूरत है सिर्फ 40 की, 10 एक्स्ट्रा हैं, तो आप किसी भी हाल में इनको तुरंत टर्मिनेट कर दें, नौकरी से ही निकाल दें। अब इंडिया में ये होने लग रहा है कि अभी तक तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही थी, अब तो जिनकी लगी हुई है जॉब उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंटोनमेंट बोर्ड कॉजिंग द बर्डन टू द एक्सचेकर, इसका मतलब होता है राजकोष में, ठीक है। राजकोष मतलब जो सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं उससे जो सैलरीज देती है सरकार। अब यहाँ पे कुछ लोग जो सरकार के फेवर में हैं वो कहने लगेंगे कि यार सरकार क्या कर ले, उसके पास पैसे नहीं है। क्या इससे पहले जो सरकारें आई थी हमारे देश में उनके पास ये दिक्कतें नहीं थी? क्या उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था लोगों को? तो ये लॉजिक मत देना मुझे कमेंट बॉक्स में। देखो आगे देखो क्या लिखा है, द ऑर्डर प्लंज एम्प्लॉयज ऑफ द सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड इन एप्रीहेंशन टू देयर फ्यूचर। जितने भी हैं भाई, जाहिर सी बात है इतने सालों से काम कर रहा है और रातों रात आपको बोल दिया जाए कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, ऐसा तो प्राइवेट में भी नहीं होता है, आप गवर्नमेंट में ऐसा कर रहे हैं। देखिए फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एक जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं सी एच विजारा जी हैं वहाँ के एक एम्प्लॉय कैंटोनमेंट बोर्ड के, उन्होंने कहा है कि हमें जिस बात का डर था वही बात हो गई, द फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लुक्स वेरी स्कैरी, मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड में हमारी जो नौकरी है वो बहुत खतरे में आ गई है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि किसको रखा जाएगा और किसको टर्मिनेट किया जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। वेयर सम ऑफ अस कुड बी ट्रांसफर्ड एंड इफ दे विल बी गुड इनफ, अगर बहुत अच्छे हैं काम करने में तो किसी किसी का ट्रांसफर हो सकता है। भाई ये तो सीधे सीधे देखो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होगा, जो भी बॉस का फेवरेट है उसको नौकरी पे रखा जाएगा, वरना जिससे दुश्मनी है उसको निकाल दिया जाएगा, ये हर जगह दुनिया में होता है और ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा। देखिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज आर प्लानिंग टू होल्ड एंड मीटिंग टू डिस्कस द इशू एंड द वेज टू मिटिगेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच मूव, मतलब ये जो सरकार की तरफ से ये जो पहल की गई है सच मूव, ये जो मूव करी गई है कि भैया जॉब से ही निकाल दो, किसी की नौकरी ही खा जाओ, तो उसके ऊपर जो है ये लोग एक प्लानिंग करेंगे। भाई जाहिर सी बात है एक मीटिंग और ये सब तो वो लोग करेंगे ही, बाकी सरकार को जो करना है वो करेगी ही, ठीक है। द एमओडी ऑर्डर ऑल्सो कॉल फॉर मर्जिंग ऑल द ऑफिस फंक्शन, सारे ऑफिस फंक्शंस को यहाँ मर्ज कर दिया जाए, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड
जनरल ड्यूटीज, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो है दूसरा पहलू आपको बताता हूँ जो मैंने शुरुआत में बताया था। देखो जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसमें बहुत सारी नौकरियाँ होती हैं, सिविल इंजीनियर, ठीक है, आपका माली, सफाई वाला, प्लम्बर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टीचर और भी अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स वगैरह वगैरह, क्लर्क वगैरह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दूसरा पहलू है वो ये कहता है कि मैंने ये चीज़ आपको पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बताई है, जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, जो तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियर जैसी नौकरियों की, अब भाई कैंटोनमेंट बोर्ड भले ही ये सिविल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चला जाए लेकिन इन जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी ना। जो आपके स्कूल्स हैं आप उन्हें बंद तो कर नहीं दोगे। तो शुरुआत में ही उन्होंने लिखा हुआ था कि आपको जो स्टाफ की ज़रूरत है वो आप 4 दिन में बता दो। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो पुरानी रिक्रूटमेंट है इन इन जॉब्स की, ये जो बड़ी जॉब्स हैं सीई, टीचर या फिर ऐसी जॉब्स, इनको जो है यहाँ पे रखा जाए, और जो बाकी हैं एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंट, जनरल ड्यूटीज़ में, जैसे जनरल ड्यूटीज़ में माली, सफाई वाला, प्लम्बर या फिर सिक्योरिटी वाले होते हैं, हो सकता है कि उनकी जॉब को मर्ज करा जाए या इधर से उधर ट्रांसफ़र करा जाए, या हो सकता है कि निकाल दिया जाए फर्दर टू रिड्यूस द मैन पावर रिटेन बाय द बोर्ड, ठीक है। एंड फर्दर द ऑप्शन ऑफ एंट्रस्टिंग वर्क ऑफ रेसिडुअल एरिया टू स्टाफ ऑफ नियर बाय कैंटोनमेंट बोर्ड मे बी एक्सप्लोर्ड, ये कहा है उस कम्युनिकेशन में इन्होंने, ठीक है। आगे देखिए, इट इज स्टेटेड दैट प्रपोजल बाय द बोर्ड्स टू स्टेट गवर्नमेंट मे बी चेक्ड बाय द प्रिंसिपल डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस स्टेट PDDE इन कंसल्टेशन विद CEOs, जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड के हैं, टू मेक द नेसेसरी मॉडिफिकेशन। तो CEOs को तो ये बात पता ही है, उन्होंने ही नौकरी निकाली है, तो उन्हें ये बात ज़रूर पता है कि हमने जो नौकरी निकाली है उसका क्या होगा और जो पद खाली हैं उनका क्या होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि देखो पहला पहलू तो ये कहता है कि आधी से ज़्यादा नौकरियाँ चली जाएंगी, लेकिन दूसरा पहलू ये कहता है जो इम्पोर्टेंट नौकरियाँ हैं जैसे कि सिविल इंजीनियर, जैसे कि टीचर, जैसे कि कुछ और जो नौकरियां हैं, ये जो ए ग्रेड की नौकरियां हैं इनकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ना। तो हो सकता है इनका रिक्रूटमेंट भी पूरा हो जाए। अभी हमें आगे के जो 4 दिन हैं उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। जो नेक्स्ट अपडेट आएगा कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं क्या ये जो अभी वैकेंसीज इन्होंने डिक्लेयर करी थी ये कैंसिल करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम आपको इसी चैनल पे बताते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, DSSSB की तैयारी करते रहिए, क्योंकि जिन लोग ने भी कैंटोनमेंट बोर्ड की तैयारी करी थी जाहिर सी बात है शुरुआत में भी बताया था कि यही DSSSB में भी काम आएगा, सेम टू सेम सिलेबस। और DSSSB में कुछ वैकेंसीज भी आ चुकी हैं जो कि अभी और आनी बाकी हैं, ठीक है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।